हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का सेट सी का सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन लेके आपके सामने एक बार फिर से मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत अपने चैनल DSR फॉर यू में मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, पूरा प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे से देखने, सीखने और समझ लेने हैं और फाइनल के लिए इनको तैयार कर लेना है। मिलते हैं, देखते हैं सही विकल्प हमारे जो है। हमारा सही विकल्प का पहला प्रश्न है, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन संस्थान का पहला प्रस्ताव पास किया गया? उड़ीसा में। दूसरे का उत्तर है, बैंक कितने प्रतिशत नकद के रूप में अपने पास रखते हैं? ठीक है, बैंक तो 15% पैसे वो अपने पास रख लेते हैं, बाकी पूरा पब्लिक को बांट देते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? तो यमुना नदी पर नहीं है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बच्चों मेटरनिक ने। फिर सिंगली को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया? तो ये घोषित कर दिया गया था बच्चों 1956 में, 1956 में। ठीक है, इसके बाद बारी आती है लास्ट वाले की, कि लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती? क्योंकि भैया विचार विमर्श होता है ना, सब लोग सोच समझ के उसको डिसाइड करते हैं। बारी आती है बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति की, तो पहला है खालिस्तान के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ, फिर सत्ता की साझेदारी, खालिस्तान की आत्मा होती है। जितने भी रिक्त स्थान है सारे रिक्त स्थान के उत्तर केवल और केवल एक ही स्लाइड में मिल गए हैं, देख लें आप। पहले का उत्तर है ऑटो वॉन बिस्मार्क, दूसरे का उत्तर लोकतंत्र, तीसरे का दालों, चौथे का है 130वां, पांचवे का द्वितीयक और छठवे का है पाइपलाइन। बच्चों, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हम देते हैं आपको इसी प्रकार की फायदेमंद काम की जानकारी। सही जोड़ी देख लें, पहला रोलेट एक्ट 1919, दूसरा वाला है भारत में वैश्वीकरण तो ये 1991, तीसरा है निजी क्षेत्रक तो ये टिस्को नामक कंपनी आती है। देखो मैं निशान से बता रहा हूँ मगर आपको लिखना पूरा है। समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है। फिर ज्वारीय पत्तन वाला बंदर कहा तो बच्चों कौन सा है? कांडला। और भारत में लिंगानुपात, लिंगानुपात मतलब 919, ठीक है, तो 919 मतलब 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएँ हैं, मतलब लड़कियाँ हैं बच्चों पर। फिर यहाँ पे देखें, पहले का उत्तर है सत्य, दूसरा जो है दूसरा है पवन हंस वाला, इसका है सत्य, तीसरा है लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता नहीं होती, ये तो गलत बात है, असत्य है ये। फिर चौथा है स्पिनिंग जेनी मशीन जेम्स हरग्रीव्स ने बनाई थी, सत्य है ये। फिर पांचवा है 1840 के दशक वाला तो इसका भी असत्य है। और लास्ट है 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था तो ये सत्य है। पूरे उत्तर दे दिए, इसी प्रकार से आपको सत्य सत्य लिख देने हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आप चाहें तो ये देखें इसी स्लाइड में मैंने तीसरे और चौथे दोनों के उत्तर भी दिखा दिए आपको प्रूफ के तौर पर, आप चाहें तो यहाँ से मिला सकते हैं, ठीक है ना। सत्य सत्य पूरे और ऊपर जोड़ियाँ भी हैं। अब देख लेते हैं हम प्रश्न पाँचवा को, किसी उद्योग में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में, किस उद्योग में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है? है दूसरा तीसरा, ये जितने लिखे हुए हैं सारे प्रश्नों के उत्तर फिर से मैं स्लाइड के माध्यम से बच्चों दे रहा हूँ आपको, देख लें आप ये पूरे उत्तर। पहला है एल्यूमिनियम, ठीक है, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है बॉडी मास इंडेक्स मतलब शरीर द्रव्यमान सूचकांक, चौथे का ये पूरा लिखा हुआ है। प्लीज़ बच्चों, वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। छठवां क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आया समुच्च जुताई और चादर अपरदन किसे कहते हैं? दो प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखें, ये है ऊपर जो है वो समुच्च जुताई है और नीचे है चादर अपरदन। जो आपको अच्छा लगे तो उसे आप लाइक कर दें, इस प्रश्न को भी लाइक कर दें और अपने उत्तर को भी लाइक करके जो आपको अच्छा लगे वो लिख लें। सातवां क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषताएं और उसी के अथवा में है एजेंडा 21 क्या है? तो देखें, मरुस्थलीय मृदा कैसी होती? सबसे पहले तो पीले रंग टाइप की मिट्टी होती है ना, भूरी सी लाल रंग की, तो पहले तो ये लाल रंग की और भूरी होती है, यह रेतीली होती है और लवण युक्त होती है। इसके नीचे एजेंडा 21 ये देख लें, पूरा ये पूरा लिखा हुआ है आपके सामने। इसके बाद अगला प्रश्न है, चाय उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक वातावरण पर विवरण दीजिए या फिर वाणिज्यिक कृषि की दो विशेषताएं। तो देखें, चाय उगाने के लिए कौन सी भौतिक परिस्थितियां जरूरी होती हैं, भौगोलिक परिस्थितियां, ये 5 पॉइंट लिखे हुए हैं मगर आपको इनमें से कोई 2 या 3 पॉइंट लिखने हैं बस, ठीक है। इसके बाद अगर अथवा वाला उत्तर आपके सामने ये पूरा दिया हुआ है।
फिर अगला प्रश्न है बच्चों, नौवां प्रश्न, उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैलता है, दो कारण बताने और इसके अथवा में आधारभूत उद्योग। तो देखें, उद्योगों द्वारा क्या होता है, उद्योगों से कचरा निकलता है, हानिकारक रासायनिक पदार्थ निकलता है, नदियों में बहता है फिर वो, ठीक है, और विषैली गैस से वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड ही पूरा है दिया हुआ है, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो, दोनों प्रश्न दे दिए हैं मैंने आपको। फिर अगला प्रश्न है हमारा दसवां, अटल टनल की विशेषताएँ और स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग। ये देखिए, अटल टनल वो ऊपर लिखा हुआ है कि यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्थिति घाटी से जोड़ती है। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके अथवा में है देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग वाला, ये पूरा जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। फिर अगला है 11वां क्वेश्चन, भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक और डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। ये देखें, ये दोनों लिखे हैं बच्चों, ये डिजिटल भारत कार्यक्रम आपके हर सेट में लगभग रिपीट हो रहा है, इसे ज़रूर पढ़ लें। देखो, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जो प्रश्न आपको कॉमन मिल रहे हैं हर सेट में पूछे जा रहे हैं, इनको तो भूल करके भी मत भूलना, नहीं तो ये आपको भूल जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन है 12वां, हायर परचेज क्या है और 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएँ आ गई थी। तो ये लिखा है कि 19वीं सदी में हायर परचेज व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुएं खरीदते थे, इसका अर्थ है कि चीज़ें कर्ज पर खरीदने और उनकी कीमत साप्ताहिक और मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी, है ना, मतलब कि वस्तुओं को खरीद लो और मंथली उनकी पेमेंट करो या फिर साप्ताहिक, जैसा भी हो। दोनों प्रश्न के उत्तर दिए, दोनों आप में से जो आपको लगे वो लिख दो। अगला है स्पिनिंग जेनी क्या है और फिर ये बुनकरों की समस्याएं वाला, तो यहाँ पे भी देखें, स्पिनिंग जेनी वाला जरूर तैयार कर लेना। ये लिखा है स्पिनिंग जेनी कटाई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, कटाई मतलब क्या, सूत धागा काटने वाली मशीन होती थी, ठीक है, इसमें जेम्स हरग्रीव्स ने बनाया था, कब बनाया था बच्चों, 1764 में। इसमें एक पहिया घुमाने वाला मजदूर बहुत सी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपीठ का कोरियाना क्या है और प्लाटेन का क्या उपयोग था। देखिए, दोनों प्रश्न हैं, जो आपको अच्छा लगे दोनों को उत्तर ये दे दिए। त्रिपीठ का कोरियाना 13वीं शताब्दी के मध्य में वुड ब्लॉक मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है, और उसके नीचे ये दिया है लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड था पूरा, आपको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको तैयार कर लें और लिख लें। अगला है, किताब गाथा उतामारो क्यों प्रसिद्ध है और उसके नीचे मुद्रण क्रांति के दो प्रभाव। तो ये देखें, दोनों प्रश्न हैं, मुद्रण क्रांति के दो प्रभाव लिखे हैं कि छापे खाने से आने से एक नया पाठक वर्ग बन गया, छपाई से किताबों की कीमतें कम हो गई, है ना, पहले क्या होता था, ताड़ के पत्रों पर लिखाई होती थी, फिर प्रिंटिंग होने लगी तो पेपर के कारण रेट कम हो गए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, असंगठित क्षेत्र के सामने आने वाली कोई दो कठिनाइयां और द्वितीयक क्षेत्रक को समझाइए। तो देखें, असंगठित क्या है, ये पूरा लिखे हुए हैं। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है कि जिसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य उपयोगी रोगों में बदला जाता है, उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, जैसे गन्ने से शक्कर बनाई जाती है। अगला है, विश्व व्यापार संगठन क्या है और वैश्वीकरण से क्या आशय है। दोनों प्रश्न हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन को आपको इंग्लिश में मालूम होना चाहिए, WTO बोला जाता है, ठीक है, ये लिख देना आप उसमें अपने आंसर में, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूरा, और इसके नीचे देखो एकीकरण है, वैश्वीकरण की परिभाषा। फिर बच्चों, वनों का वर्गीकरण करना है। देखो बेटा, यहाँ पे वनों का वर्गीकरण में भलाई छोटा सा प्रश्न है 2 नंबर का, मगर आपको पूरा अच्छे से लिखना है। 3 प्रकार के वन होते हैं, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित का ये पूरा लिखा हुआ है, आरक्षित मतलब कैसे होते, जिसको सरकार के द्वारा मतलब इसमें इमारती लकड़ी अन्य वन पदार्थ उनके बचाव के लिए किया जाता है, इनसे वनों का उत्पादन पूरा लिखा हुआ है आपका। इसके अथवा में था ये जैव विविधता वाला, तो देखें जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख देना। देखिए अथवा डाल के लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर क्या था, केवल उसकी हेडिंग लली थी बस, इसलिए मैंने अलग से उत्तर आपको उपलब्ध करा दिया। देख लें आप लोग इसको पूरे 18वें क्वेश्चन को। इसके बाद बारी आती है हमारे 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न है, एकात्मक शासन व्यवस्था के 3 दोष और संघात्मक या फिर संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था के विशेषताएं। तो ये है बेटा एकात्मक शासन व्यवस्था के 2। तो ये पूरे आपको जो अच्छे लगे वो आप लिख दें, मतलब कि जो अच्छे नहीं, मतलब 3 दोष लिखना है तो 3 दोष लिख दें। अगर आप यहाँ पे देखें, 2 प्रश्न हैं, दोनों को आपको तैयार करना है, मैंने आपको दोनों उत्तर दे दिए, पर लिखना बच्चों आपको केवल और केवल 1 है, ये है संघीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था या फिर संघवाद। याद रखना, 3 नाम से पूछ लेते हैं, या तो संघवाद, या तो संघीय शासन व्यवस्था, या फिर संघात्मक शासन व्यवस्था। तो याद रखिएगा, लिखना यही उत्तर है हर बार की तरह, इसमें भी आपको पूरा यही लिख देना है। देखें इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा,
20वां प्रश्न, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के विषय में या फिर ऋण के औपचारिक अनौपचारिक स्रोतों में अंतर। तो ये देखें आप लोग, ये नीचे वाला जरूर तैयार कर लीजिएगा, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत जो आपको अच्छा लगे वो लिख देना, पर ये नीचे वाला जरूर तैयार कर लें, औपचारिक स्रोत क्या होते हैं और अनौपचारिक स्रोत क्या होते हैं, दोनों का आप तैयार कर लें। हो गए प्रश्न 20 हमारे कंप्लीट। 21वां प्रश्न, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार और असहयोग आंदोलन ने समाज में विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी को समझाइए। तो ये देखें सत्याग्रह का विचार ये पूरा लिखा हुआ है, देखिए ऊपर वाले प्रश्न का बस उत्तर यहाँ मैंने दिया है, सत्याग्रह के बारे में क्या होता है विचार गांधी जी का, तो आपको ये देख लें पूरा उसको लिख लें। और प्लीज़ अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल में इसी प्रकार से आपको काम की जानकारी दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, किन्हीं चार कारणों का वर्णन। तो ये देखें कोई चार कारण हैं आपके सामने, पूरी स्लाइड आ रही है जो आपको लिख देना है। अगर आपके पास इससे कोई अच्छे उत्तर हो, शॉर्ट एंड स्वीट उत्तर हो, तो आप वो भी चाहें तो लिख सकते हैं। ये मैंने अपनी तरफ से आपको उत्तर यहाँ पर उपलब्ध करा दिए हैं, देख लें आप पूरे आपके सामने हैं। जैसे दूसरा कारण है वंशवाद की चुनौती, धन और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ, चौथा है विकल्पहीनता की स्थिति, विकल्पहीनता हो जाती है ना कई बार आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, जो नेता है जो पार्टी है उसी को हमें जिताना पड़ता है या वही सरकार चलाती और अपनी मनमानी करती है। बात करते हैं 22वें का अथवा वाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सिद्धांत, तो पढ़ लीजिएगा जो भी हैं फालतू के सिद्धांत ये लिखे हुए हैं, आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर ले और पढ़ लीजिएगा, लिख दीजिएगा। मेरे हिसाब से आप ऊपर वाला तैयार करें, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की, और आखिरी प्रश्न के उत्तर देने के पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि मैंने कुछ काम की जानकारी दी, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें। नक्शा वाला है, सबसे पहले आप देखें नक्शा क्या होता है, ये पूरा नक्शा है आपके सामने। अब देखो मैंने मार्क किया है एक नक्शे को, ठीक है, तो देखें आपको जूम करके दिखाऊंगा। पहला पॉइंट है बच्चों ये सुंदरगढ़, देखें कहाँ बनाना है आपको, आप देख सकते हैं सुंदरगढ़ कहाँ है, ये है सुंदरगढ़, ठीक है। दूसरा है आपका रानीगंज, देखें बिल्कुल कॉर्नर में बनाया गया है रानीगंज, इस तरीके से आपको भी बना देना है रानीगंज। तीसरा है नैवेली, ये देखें नीचे साइड बिल्कुल नैवेली आपको कहाँ बनाना है, आप देख लें। चौथा है बच्चों डिगबोई, तो ये असम के पास है, देखिए बिल्कुल कॉन्टे में, ये बिल्कुल कॉर्नर में आपके सामने इमेज में दिख रहा है, ठीक है, और ये पूरा नक्शा है। तो देखें मैंने अलग से इसको मार्क किया है, ये चार पॉइंट आपको नक्शे में दिखाने हैं, इनको आप दिखा दें और अपना नक्शे को मैप को तैयार कर लें। बच्चों मिलते हैं बहुत जल्द अपने किसी और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।